सभी को नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में अक्षय बलोरिया जी हैं, आप जम्मू कश्मीर प्रदेश की प्रदेश मंत्री हैं। हमारे बीच में चाहत अनंत जी हैं, आप जम्मू कश्मीर की प्रदेश सह मंत्री हैं। सभी को नमस्कार, हरिओम, जम्मू महानगर मंत्री। अब मैं आगे की संबोधन हेतु अक्षय जी से आग्रह करता हूँ। आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबके ध्यान में ही होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 58वां प्रांत अधिवेशन इस वर्ष जम्मू में 11 से 13 नवंबर को कांगड़ा फोर्ट में संपन्न हुआ है। और इस अधिवेशन में जो है मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय विजय प्रताप जी एवं अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख मनु कटारिया जी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का रहना हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से 750 के करीब छात्र छात्राएं इस अधिवेशन में उपस्थित रहे और अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। इस पूरे अधिवेशन में दो प्रस्ताव भी पारित किए गए। प्रस्ताव क्रमांक एक जो है वो जम्मू कश्मीर के इस शैक्षिक परिदृश्य पर रहा, जिसके अंतर्गत जो जैसा आप सबके ध्यान में होगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल हाल ही में सरकार द्वारा लाया गया है, उसका कड़ा जो विरोध है वो विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता ने दर्ज किया है। साथ ही विद्यार्थी परिषद ने अनुरोध किया है कि नई शिक्षा नीति को धरातल पर जल्द से जल्द लागू किया जाए और 2016 में जो जम्मू कश्मीर को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अलॉट हुई थी वो आज तक कहीं हमें पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं दिख रही है, वो कागज़ों में सिमट कर रह गई है। तो विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। वहीं जो प्रस्ताव क्रमांक दो है उसमें जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी परिषद ने ये मांग उठाई है कि छात्र संघ चुनावों को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाए। और वहीं जो अभी इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है तो विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जम्मू कश्मीर की अनुकूल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को जल्द से जल्द करवाया जाए। और वहीं जम्मू कश्मीर जो है एक अच्छा टूरिज़्म का सेक्टर बन सकता है, बनकर उभर सकता है, तो जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं उनसे ये मांग की जाती है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म के को और बढ़ावा दिया जाए और इसको अलग ही पटल पर लेकर जाया जाए। इस पूरे अधिवेशन में जो है हमारे उद्घाटन सत्र और प्रदर्शनी उद्घाटन भी रहा। जो प्रदर्शनी उद्घाटन रहा वो जम्मू कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति संजीव जैन जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। और जो हमारा मुख्य उद्घाटन सत्र रहा उसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी का रहना हुआ। वहीं हमारे इस अधिवेशन की विशेषता रही कि इस वर्ष जो है खुला अधिवेशन और शोभा यात्रा भी की गई। खुले अधिवेशन में पूरे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के छात्र नेताओं ने अपने अपने भाषण और अपने अपने विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की और अपने जो जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले समय में जो क्या क्या रणनीतियाँ होंगी उसके ऊपर भी हम लोगों ने जो है एक चर्चा की। पूरी आगामी योजना जो है हमारे अधिवेशन में तय की गई है और साथ ही में सरकार को चुनौती भी दी गई है कि अगर ये जो काला कानून आया है पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल जो कि यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को ख़त्म करता है, अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रांत भर में जम्मू कश्मीर के प्रत्येक कैंपस में जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और प्रत्येक छात्र जो है वो सड़कों पर होगा। और इसके बावजूद भी अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में और भी कड़े जो है तरीके से विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। धन्यवाद।